नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज रूम में और इस समय आपके साथ में दिव्या अटवाल और ये है बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा आज वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने मुस्तफा हुसैन के पिताजी के निधन को लेकर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। वही मैं आपको बता दूं कि इस दौरान मुस्तफा हुसैन से उनकी खास विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है। इस दौरान उनके साथ में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कियावत, मंसूर छोटू गांग, नीलेश पाटीदार, विकास नामदेव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे हैं। गौरतलब है कि बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ एमपी की शुरुआत भी मंत्री जगदीश देवड़ा व विधायक दिलीप सिंह परिहार के हाथों में हुई थी। तब वर्तमान के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। इस दौरान वॉइस ऑफ एमपी के एडिटर नवीन पाटीदार और मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष एवं वॉइस ऑफ एमपी के आधार स्तंभ मुश्ताक अली शाह ने वित्त मंत्री श्री देवड़ा और विधायक दिलीप सिंह परिहार को बीते दिनों की याद दिलाई है और बताया गया है कि इस समय यह पौधा एक वट वृक्ष बन चुका है। बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से एमपी के 30 जिलों में रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और करीब 3 लाख लोग प्रतिदिन इस माध्यम को देखते हैं व सुनते भी है। यह सुनने के बाद में मंत्री श्री देवड़ा बेहद ही खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मुस्तफा हुसैन भाई ने पत्रकारिता में एक मिसाल कायम की है। इस अवसर पर नेटवर्क के सभी साथी पवन राव शिंदे, मनीष चांदना, दिव्या अठवाल, शादाब हुसैन, योगिता प्लास, हिमांशु राजोरा, गोविंद बैरागी, हरीश मीणा से भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मिले हैं और सभी का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।